सो हेलो गाइस, कैसे चलो आप सब? बहुत ही अच्छा हूं। तो भाई अभी मैं आपको आफ्टर अपडेट आपको एक न्यू कैरेक्टर गेम में देखने को मिलेगा जिसका नाम है यहाँ पर कायरस कैरेक्टर। तो इसका एबिलिटी क्या है, मतलब ये कैसे काम करता है एंड कब इसको आपको यूज करना चाहिए, सारा कुछ मैं आपको इस वाले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये पैसिव स्किल है एंड इसका जो स्किल का नाम है वो यहाँ पर डिफेंस ब्रेकर। ठीक है, बेसिकली ये दो तरीके से काम करता है। पहला तो ये है कि एक डिफेंस मोड है इसका, मतलब पहले डिफेंस मोड पर चला जाएगा। उस टाइम पर क्या होगा कि यहाँ पर एक एक सेकंड में, मतलब पर सेकंड आपको टू टू करके ईपीएफ देता रहेगा, तब तक देगा जब तक आपका जो ईपी है फुल नहीं हो जाता। ठीक है, और जैसे ही फुल होगा इसका जो मेन स्किल है, मतलब इस कैरेक्टर का जो मेन स्किल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, एंड जैसे एक्टिवेट होगा आपके ऊपर एक इफेक्ट जैसे आ जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर इसका जो स्किल है वो एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, एंड आपका जो ईपी का जो कलर होता है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, कुछ वायलेट जैसे हो जाएगा, मतलब जो बैंगनी रंग होता है कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जब ये डिफेंस मोड पर होगा तो इसका जो ब्रेकर मोड है वो यहाँ पर एक्टिवेट नहीं होगा। ब्रेकर मोड कौन सा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ये एक्टिवेट होगा ना तो उसको ब्रेकर मोड कहते हैं। ठीक है, जैसे ब्रेकर मोड पे जाएगा तो आपको ये ईपी देना बंद कर देगा, चाहे आपका ईपी कम हो फिर भी ये ईपी आपको नहीं देगा। ठीक है, जब तक आपका जो ईपी है वो जीरो नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, जैसे जीरो हो जाएगा तो फिर से आपको ये ईपी देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जैसे आपका ईपी फुल हो जाएगा एंड एक्टिवेट हो जाएगा तो किसी बंदे को अगर आप मारोगे उस टाइम पे तो यहाँ पर उसका जो आर्मर है उस पर बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। बस आर्मर पर ही नहीं, यहाँ पर उसके पास अगर कोई कैरेक्टर है जो कि यहाँ पर सील्ड कैरेक्टर है, जैसे कि मान लो यहाँ पर क्रोनो हो गया, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हो, मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो कुछ ही गोली के अंदर जो उसका जो आर्मर है वो फूट जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही फूटेगा तो एक ब्रेकिंग इफेक्ट भी यहाँ पर आता है, देख सकते हो यहाँ पर। एंड यहाँ पर भाई एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे आप जो किसी वेस्ट या फिर सील्ड पे डैमेज दोगे, मतलब फर्स्ट गोली मारोगे, तो आपका जो ईपी है यहाँ पर पाँच पाँच करके पर सेकंड कम होता रहेगा जब तक जीरो नहीं हो जाता। ठीक है, मतलब यहाँ पर 40 सेकंड आपके पास टाइम रहेगा, उसके अंदर ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा वरना जीरो हो जाएगा एंड ये फिर से डिफेंस मोड पर चला जाएगा एंड टू टू करके ईपी आपको देने लगेगा। एंड जैसे आपका जो ईपी है वो कम होने लगेगा तो यहाँ पर आपके ऊपर जो इफेक्ट्स वगैरह आ रहा था तो वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो आपको समझ आएगा। सो आई होप यहाँ पर आपको सबको समझ आ गया होगा कि कायरस कैरेक्टर कैसे काम करता है एंड कब ये एक्टिवेट होता है एंड कब ये एक्टिवेट नहीं होता है, सारा कुछ मैं आपको इस वाले वीडियो में क्लियर कर दिया हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं तो मुझे कौन से पूछ सकते हो, तो क्लियर गाइस, बाय बाय।